बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क के टॉपिक का आगाज किया था। के अंदर हमने नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि राउटर, ब्रिजेस, गेटवे, हब, स्विचेस की डिटेल्स को और इनकी इंटरनल वर्किंग्स को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका नाम है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, जिसके अंदर हम अलग अलग तरह के नेटवर्क्स जैसे कि इंटरनेट, टोकिंग पासिंग और एआरसी नेट के प्रोटोकॉल की डिटेल्स देखेंगे। तो दोस्तों आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं इस सवाल से कि आखिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। दोस्तों ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी ये कुछ रूल्स होते हैं जिनकी बिना पर नेटवर्क को बनाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कर दी, मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपको ये पिक्चर अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं तो वो डायरेक्ट उसी के पास जाती है, ना कि किसी और डिवाइसेस पर। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों यकीनन कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो कि उन्हें ताबे रखती है कि अगर कोई चीज नेटवर्क में ट्रेवल कर रही है तो उसे कहाँ जाना है, कैसे जाना है और कब जाना है। यानी कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं जिनकी बिना पर नेटवर्क में कंप्यूटर्स आपस में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बात करते हैं तो आप किसी न किसी लैंग्वेज में उससे बात करते हैं, और सामने वाले को भी वो लैंग्वेज आना जरूरी है तो ही आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो दोस्तों वो लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ रूल्स जिनकी बिना पर दो लोग कम्युनिकेट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी, यानी जब दो कंप्यूटर्स आपस में कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उन्हें भी कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। वो रूल्स क्या होते हैं? ये एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो के प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। तो दोस्तों प्रोटोकॉल्स में पहली चीज क्या डिफाइन होती है? व्हाट इज कम्युनिकेटेड, यानी क्या चीज कम्युनिकेट की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी। यानी जब भी कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उसमें डेटा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में कोई तस्वीर है या फिर आप कोई मैसेज सेंड करते हैं जो कि आपको कंप्यूटर से अपने फ्रेंड को सेंड करना है, भेजना है, तो पहले आपको उसे बाइनरी फॉर्म, डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर वन और जीरोस को ही समझता है। तो डेटा यहाँ क्या है? एक डिजिटल फॉर्मेट। और ये बात डिफाइन कहाँ है? प्रोटोकॉल्स में। दूसरी चीज क्या होती है, यानी एक प्रोटोकॉल के अंदर दूसरी चीज क्या डिफाइन होती है? हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, यानी डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे। दोस्तों आमतौर पर नेटवर्क में डेटा पैकेट की शक्ल में ट्रांसफर होता है। मींस आपने जो मैसेज सेंड किया है वो तो एक बहुत बड़े साइज का है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है। उस पैकेट के अंदर, उस छोटे से पार्ट के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस होता है। सोर्स एड्रेस मींस जिसने डेटा भेजा है उसका एड्रेस, और डेस्टिनेशन मींस जिसको डेटा रिसीव करना है यानी जिसके पास डेटा जाएगा उसका एड्रेस होता है, और साथ के साथ डेटा भी मौजूद होता है। अब वो पैकेट अलग अलग रूट से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, और जरूरी नहीं कि एक ही सीरियल में पहुंचे, कि रूट्स अलग हैं तो पैकेट्स भी अलग अलग पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पैकेट टू पहले पहुंच जाएगा और पैकेट फोर बाद में। तो ये चीज किसने बताई कि डेटा पैकेट्स की शक्ल में जाएगा? उस प्रोटोकॉल ने। ये डेटा मूव कैसे होगा, कौन से रूट उसको लेना है, तो ये चीज कहाँ डिफाइन है? उन प्रोटोकॉल में, कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा किस तरीके से कम्युनिकेट होगा, किस तरीके से जाएगा। और दोस्तों तीसरी चीज है व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, यानी डेटा को कब ट्रांसफर होना है, कब जाना है। दोस्तों अब आपके तमाम पैकेट्स डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं, लेकिन वो उस डेस्टिनेशन के कंप्यूटर में नहीं जा सकते क्योंकि वो सीरियलाइज नहीं है। आपने कभी देखा है कि आप कोई मूवी ऑनलाइन देखते हैं तो उसका एंड पहले आपको दिखा दिया जाता है और स्टार्ट बाद में? ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स ही होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि जब तक डेटा सीरियलाइज नहीं हो जाता, एक साथ नहीं हो जाता जैसे कि सेंड किया गया था, तब तक उसको कंप्यूटर को नहीं देना।
के अलावा अगर सेंडर तेजी के साथ डेटा को सेंड कर रहा है, भेज रहा है, पैकेट्स को भेज रहा है और रिसीवर एंड पर जो कंप्यूटर है वो स्लो है, वो आहिस्ता स्पीड में पैकेट्स को रिसीव कर रहा है, तो ऐसे में कम्युनिकेशन किस तरह होगी? क्या सेंडर को वेट करना होगा या फिर कंटिन्यूस पैकेट्स को सेंड करते रहना होगा? कब रुकना होगा, कब सेंड करना होगा, कब रिस्पॉन्स देना होगा, ये तमाम चीजें भी प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। तो दोस्तों, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या डिफाइन करता है कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन क्या होगी, कैसे होगी और कब होगी। तो सबसे पहला प्रोटोकॉल है जो आज हम देखेंगे वो है ईथरनेट प्रोटोकॉल। ईथरनेट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल है क्योंकि ये तेज स्पीड होने के साथ साथ इसको सेटअप करना भी सस्ता होता है, आसान होता है। आमतौर पर ये लैन नेटवर्क्स में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ एक केबल होती है जिससे तमाम नोड्स, तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि तमाम नोड्स एक ही केबल पर ट्रांसमिशन कर रही होती हैं, डेटा को सेंड और रिसीव कर रही होती हैं। तो ऐसे में तमाम नोड्स को कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है ताकि उनका डेटा आपस में कोलाइड ना हो, आपस में टकराए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तमाम सिस्टम्स एक ही केबल के जरिए प्रिंटर को प्रिंटर से कनेक्ट है, मींस तमाम सिस्टम प्रिंटर को शेयर कर रहे हैं। तो अगर तमाम कंप्यूटर एक साथ प्रिंटर को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ये नामुमकिन है। तो ऐसे में कुछ रूल्स बनाने की जरूरत है जिनके जरिए तमाम कंप्यूटर्स प्रिंटर्स को शेयर कर सके, इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, ये एक केबल है जिससे तमाम कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं और आपस में डाटा को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। तो अगर ए ने बी को डाटा सेंड करना है और अगर उसी वक्त बी ने भी बी को डाटा सेंड कर दिया तो क्या होगा? डाटा आपस में टकरा जाएगा, जिसको कहते हैं कोलिजन। और कोलिजन क्या है, यानी जब डाटा कोलाइड हो जाता है तो क्या होता है, तो जो डाटा कोलाइड हो जाता है कोई वैल्यू नहीं रहती, वो यूजलेस हो जाता है। तो अब यहाँ भी जरूरत पड़ी कि कुछ रूल्स बनाने की जरूरत पेश आई ताकि डाटा को कोलाइड होने से, यूजलेस होने से बचाया जा सके। तो इसीलिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। में क्या होता है कि जैसे ही कोई नोड यानी कोई कंप्यूटर डेटा को चैनल पर डालना चाहती है, यानी इस केबल पर डालना चाहती है, और डेटा बिट्स की शक्ल में चैनल पर डाला जाता है, और जैसे ही बिट्स चैनल पर डाली जाती है वो आगे की तरफ मूव करने लग जाती है। तो वो नोड डेटा को चैनल पर डालने से पहले चैनल को सेंस करती है, अगर तो उसको चैनल खाली मिलता है, यानी उस चैनल पर किसी भी नोड की, किसी भी कंप्यूटर की कोई बिट्स नहीं होती तो ही वो डाटा को चैनल पर डालेगी, वरना नहीं। यानी वो सबसे पहले इस नोड को, इस केबल को सेंस करेगी, अगर उसको किसी और कंप्यूटर का डाटा नजर आएगा तो वो वेट करेगी जब तक कि वो डाटा जिस कंप्यूटर के पास जाना है उस तक पहुंच ना जाए, और उसको पहुंचने के बाद ही वो अपने डाटा को इस चैनल पर, इस केबल के ऊपर डालेगी। ये एक पूरा प्रोसेस था CSMA का, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई। फॉर एग्जाम्पल, ए ने देखा कि चैनल खाली है और उसने अपना डाटा चैनल पर डाल दिया। सेम उसी वक्त जिस वक्त ए ने देखा था, बी ने भी चैनल को सेंस किया। मींस ए ने अगर 1:15 पर देखा था तो डी ने भी 1:15 पर ही देखा था और डी ने भी अपना डाटा चैनल पर डाल दिया। अब क्या होगा, दोनों का डाटा आपस में कोलाइड हो जाएगा। अब ए और डी डाटा को सेंड कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि उनका डाटा तो कोलाइड हुए जा रहा है। तो इसके लिए CSMA के साथ एक और चीज ऐड कर दी, CD, मींस कोलिजन डिटेक्शन, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्लस कोलिजन डिटेक्शन। अब क्या होगा, जैसे ही कोलिजन होगा तो ए और डी के पास एक सिग्नल आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा डेटा कोलिजन का, जिसकी वजह से तमाम नोड्स, तमाम कंप्यूटर्स डेटा को सेंड करना बंद कर देंगे जब तक कि चैनल दोबारा खाली ना हो जाए। इस तरह एक शेयर्ड केबल के दरमियान, एक लैन नेटवर्क के दरमियान
ईथरनेट प्रोटोकॉल के जरिए ट्रांसमिशन करवाई जाती है। इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल है जो कि शेयर्ड केबल्स में ही इस्तेमाल होता है, वो है टोकन पासिंग प्रोटोकॉल। दोस्तों ये रिंग टोपोलॉजी के नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, मींस तमाम नोड्स, तमाम कंप्यूटर्स रिंग की शक्ल में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एक टोकन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है, और उस टोकन के जरिए नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर्स के डेटा को कोलाइड होने से बचाया जाता है। आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों जैसे ही तमाम कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क एक टोकन जनरेट करता है। एक वक्त में एक नेटवर्क में सिर्फ एक ही टोकन मौजूद होता है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। टोकन रिंग की शक्ल में ट्रैवल करता है, कब तक? जब तक के उस रिंग में मौजूद कंप्यूटर्स में से कोई कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करना चाहता है तो वो टोकन को अपने पास ले लेता है, विच मीन्स कोई भी कंप्यूटर जब तक डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक के उसके पास टोकन मौजूद नहीं होगा। और नेटवर्क में एक वक्त में सिर्फ एक नोड, सिर्फ वही नोड डेटा को ट्रांसफर करेगी जिसके पास टोकन मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल नोड ए को डेटा ट्रांसफर करना है नोड सी को, तो सबसे पहले वो टोकन लेगा। जैसे ही टोकन उसके पास आता है वो एक फ्रेम, इसमें डेटा होता है और साथ साथ उस फ्रेम में उस फ्रेम का स्टेटस होता है, उस स्टेटस को वन कर देता है और सी को भेज देता है। नोड सी डेटा को कॉपी करता है और फ्रेम के स्टेटस को जीरो कर देता है और दोबारा उस फ्रेम को नोड ए को सेंड कर देगा। जैसे ही नोड ए के पास फ्रेम पहुंचेगा, नोड ए उसका स्टेटस देखेगा, विच मींस कि नोड सी को डाटा मिल गया है। अब इन दोनों के दरमियान ट्रांसमिशन मुकम्मल हो गई है तो नोड ए एक नया टोकन जनरेट करेगा और रिंग में डाल देगा। इस तरह टोकन पासिंग प्रोटोकॉल के जरिए नेटवर्क में कोलिजन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन इस प्रोटोकॉल के जरिए ट्रांसफर रेट स्लो होता है क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस टोकन को एक्सेस कर सकती है। के बाद जो प्रोटोकॉल आया वो था ARCnet। दोस्तों इसमें ARC means attached resource computer और net means network। इसमें एक स्टार टोपोलॉजी, फिर एक स्टार नेटवर्क बनाया जाता है और उसमें हब्स का इस्तेमाल किया जाता है। हब्स जिनको हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था, और जो केबल्स इस्तेमाल की जाती हैं वो ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती हैं और कोएक्सियल केबल भी हो सकती है। दोस्तों ARC नेट के अंदर टोकन पासिंग के जरिए डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। स्टार्ट में जो ARC नेट बनाया गया था वो बहुत स्लो था, यानी वो बहुत स्लो स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करता था, लेकिन कॉस्ट कम होने की वजह से, साथ साथ कोलिजन्स कम होने की वजह से, इसके अलावा इसको इंस्टॉल करना, सेटअप करना भी आसान था, और साथ साथ हब के इस्तेमाल की वजह से नेटवर्क को एक्सपेंड करना, बढ़ाना भी आसान हो गया था। इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी शोहरत बहुत बढ़ गई थी। और अब जो ARC नेट आ गए हैं, ना सिर्फ उनकी स्पीड फास्ट है बल्कि उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोटोकॉल्स के अंदर हमने ईथरनेट, टोकन पासिंग और ARC नेट को डिटेल में देखा। अगले लेक्चर्स में हम और दूसरे प्रोटोकॉल्स जैसे कि TCP/IP, ISDN और DSL को डिटेल में देखेंगे।